दूसरा और एक जगरनाट को देखेंगे, एक और ये दूसरा जगरनाट है, कौन सी जगरनाट है, पिक्चर को पहचान पाते हैं आप, कौन सी पिक्चर है ये, कब का पिक्चर है, कहाँ का पिक्चर है, हाँ कौन बोलेंगे, हाँ सब आपका शुभ नाम, हाँ मणियार, मणि मणियार, मणियार जी, मणियार जी आप बहुत पॉइंट स्कोर कर रहे हैं हमारी कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच बहुत, यस मणियार जी बोल रहे हैं, ये चांद के ऊपर जब आदमी गए, आदमी के ऊपर कदम रखे उस दौरान की पिक्चर है बोल रहे हैं, यस इसी को बोलते हैं अपोलो, अपोलो 11 जो स्पेसशिप है, जो जहाज जिसमें वो लोग चांद के ऊपर गए, तीन लोग गए थे, उनमें दो लोग चांद के ऊपर कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, तीन लोग गए थे उसमें, एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग दोनों चांद के ऊपर कदम रखे थे, एक जगरनॉट है चांद के ऊपर तक जाके कदम रख के सेफली वापस आना 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था और आज तक दोबारा रिपीट नहीं हुआ। और ये है वन ऑफ द मोस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स इन द हिस्ट्री, क्यों, ये तो साइंस की बात है बट मैं बोल रहा हूं ये मार्केटिंग की बात है, मार्केटिंग इतना अच्छा कैंपेन है, सक्सेसफुल कैंपेन है, आज तक हो नहीं पाया, क्या किया ये लोगों ने देख लीजिए, 20 जुलाई 1969 अमेरिका में 96% टीवी हर एक घर में जो प्रोग्राम देख रहे हैं एक ही प्रोग्राम, वो है जो अमेरिकन जो चांद के ऊपर कदम रखे हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 94% लोग एक ही प्रोग्राम देख रहे थे, आज तक कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी को भी ऐसा परसेंटेज लोग एक ही समय पे नहीं देखा, और अमेरिका के 2% बजट इस प्रोजेक्ट के ऊपर डाला गया है, 2% बजट लोग हां बोले हैं, 6 मिलियन मतलब 60 लाख पाउंड के वजन है, 36 स्टोरीज मंजिलों की ऊंचाई है, 10 साल की काम है, 5 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए थे, क्यों, उन देश की दो लोगों को चांद के ऊपर कदम रख के वापस आने के लिए, आज तक उसके दौरान उनको एक पैसा भी वापस में आया तो नहीं, बट फिर भी पूरी देश उनके पीछे है, पूरी देश उनको सपोर्ट किए हैं, आइए जाइए हमारे पैसा खर्च कीजिए कोई चिंता नहीं, आपको जाना चाहिए बोल के सब लोग गए, नासा संस्था ने उनकी 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजे हैं, तो नासा को ये कैसे संभव हुआ था, वहां पे देखेंगे तो उनकी जो ब्रांड जर्नलिज्म प्रेस रिलीजेस एवरीबॉडी हर एक लोग किसी से किसी तरह इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, अमेरिका में प्रेस लोग को ले लीजिए, इंडस्ट्री लोगों को ले लीजिए, गवर्नमेंट के लोगों को ले लीजिए, कॉमन मैन को ले लीजिए, हर एक आदमी ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते थे, ओके यस, रिपोर्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग, गवर्नमेंट इंडस्ट्री पब्लिक न्यूज मीडिया हर एक कोई इसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक किताब भी आया वो किताब का टाइटल है मार्केटिंग द मून, कैसे संभव हुआ था, जर्नलिस्ट को ले लिया, ये जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए थे उनको बीबियों की भी नहीं छोड़ा, एक मैगजीन वाले उनके पास गए थे, देख लीजिए आपके पति जी ने अभी चांद के ऊपर जा रहे हैं, आपके मन में भावनाएं कैसे हैं, ये है वो है बोल के वो उनकी जो पत्नियों से इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यूज को भी पब्लिश किए थे, कोई किसी को नहीं छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट जो देखेंगे तो अपोलो जगरनॉट वाय एक कैसे संभव था, आप में से कोई कभी देखे थे चांद के ऊपर जब आदमी कदम रखा, कब रखा कैसे रखा, वो जो वीडियो देखे थे कोई, ठीक है मैं 2 मिनट के लिए छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता, जब वो लोग चांद के ऊपर कदम रखे लैंडिंग मून लैंडिंग को मैं दिखाना चाहता हूं, ओवर 3 बिलियन ईयर्स अगो देखने को मिला, कैसे क्यों इतने सारे लोग वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट किए थे, और नासा पूरी देश का अमेरिका को कैसे मार्केटिंग करने में सक्सेस हुआ, मतलब कई सारे कारण हैं बट मैं क्यों अमेरिकन्स इसको सपोर्ट किया, लोगों की इतना उत्साह कैसे मिला सोचेंगे तो मुझे एक कारण देखने को मिला, वो है
उन लोगों के लिए चांद के ऊपर जाना, वहां कदम रखना एक काम नहीं, एक काम नहीं, वो एक साहस है, साहस कार्य, एडवेंचर। ऐसे जो साधारण जो काम है, हर रोज जाते हैं करते हैं, उनमें क्या उत्साह होता है, जब कुछ एडवेंचर काम पे जा रहे हैं, को पर्वतारोहण में जा रहे हैं, कुछ एडवेंचर, कुछ जन्माष्टमी के दिन पर ऊपर वो चीज को लगाते हैं और आपको ऊपर जाना, उसको तोड़ना है, उस समय में उन लोगों में कैसे उत्साह होता है, क्योंकि वो साधारण काम नहीं। कभी भी कुछ साहस कार्य करने में लोगों की प्रेरणा, लोगों की उत्साह, लोगों की जो चेतना अलग होता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं, जो किसानों को पहुंचाते हैं, गांव में जाते हैं, उनको एक अच्छा एग्री इनपुट, एग्री प्रोडक्ट को हम बताते हैं, भैया ये प्रोडक्ट डालो आपकी जो कीड़ा अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो ये खाद डालो आपकी ग्रोथ अच्छा होगा, अच्छा यील्ड बन जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, बोल के हम जाके उनसे बोलते हैं। हम जाके बोलते हैं, हमारे एम्प्लॉयज जाके बोलते हैं, हमारे फील्ड असिस्टेंट जाके बोलते हैं, और बोलने के बाद किसान तुरंत लेता है क्या? नहीं लेते हैं, वो नहीं लेता है। वो बोलते हैं मैं अभी ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ भाई, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम से मैं संतुष्ट हूँ, नमस्कार बोलते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, तीसरा बार जाते हैं, धूप में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, कभी बाइक जाते हैं, बाइक को रोकते हैं, पैदल से जाते हैं, और किसान से बोलते हैं हमें डेमो लगाया, फील्ड लगाया, आइए देखिए बोलते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं वो प्रोडक्ट डालने के लिए। और जब वो प्रोडक्ट 4 एकड़ में 1 एकड़ में डालते हैं, उनकी जो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखने के बाद अच्छा लगता है तो 4 एकड़ में डालते हैं और आपके नाम वो याद रखते हैं। आज के दिन भी वो लड़का उस दिन आके मेरे को ये बात बोला, उस समय से मैंने वो डालना शुरू किया, उसके बाद मेरे को मेरे खेती में ज़्यादा पैसा आ रहा है। थैंक यू बोल के हर बार आपको और आपकी संस्था को, आपकी जो स्टाफ को याद करने वाले किसानों हजारों लोग हैं, ये समझो हजारों लोग हैं। हो सकता है आपको और आपकी स्टाफ को भी वो किसानों के नाम याद नहीं है, बट किसानों के आपके नाम और आपकी संस्था के नाम वो याद करते हैं। आप तो ये काम जो कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी काम नहीं, साधारण पवित्र काम है, पुण्य कार्य है, महान कार्य है और एक साहस कार्य भी है। सो ऐसे भी हर रोज जब हम काम में जाते हैं, हमको लगना चाहिए मैं आज एक साहस कार्य में जा रहा हूं। अभी तक हम कुछ नेचुरल प्रकृति को, जगन्नाथ को देखा, बीज, बारिश, नदी, भगवान, गुड, ऐसे प्रकृति के जगन्नाथ, कुछ पुरातन जगन्नाथ जो जगन्नाथ रथ यात्रा और अपोलो जो मून लैंडिंग मिशन देखा, पर अभी देखेंगे हम मॉडर्न डे, आज के दिन की मॉडर्न डे के जगन्नाथ क्या है और उन चीजों से क्या हमको कुछ सीखने को है वो देखेंगे। बताइए आपकी जानकारी में आज